स्वागत है आपका एचजे एडुकेशन हिंदी में। इस वीडियो में हम लोग ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव्स को थोड़ा और डिटेल में पढ़ेंगे। पहला है वर्क प्रैक्टिस, कार्य अभ्यास। एंटरप्राइज या ऑर्गेनाइजेशन वैक्यूम में काम नहीं करता है, वह समाज के भीतर काम करता है, या यू कहें ऑर्गेनाइजेशन समाज का ही पार्ट होता है, तो इस लिहाज से ऑर्गेनाइजेशन का समाज के प्रति कुछ ड्यूटी भी होता है। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन का ही एक पार्ट होता है और इस हिसाब से ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि वह सोसाइटी के जरूरतों को, डिमांड्स को, चैलेंजेस को देखे और ऑर्गेनाइजेशन में ह्यूमन रिसोर्स को इस तरह से मैनेज किया जाए जिससे सोसाइटी का भी भला हो सके। जैसे जितना संभव हो सके लोगों को ऑर्गेनाइजेशन में अपॉइंट करना, लोगों को इम्प्लॉयमेंट देना। जिस ऑर्गेनाइजेशन में ट्रेड यूनियन है उसमें ट्रेड यूनियन और मैनेजमेंट के बीच हारमोनी बनाकर रखना, समाज के सारे रूल्स, रेगुलेशंस और नॉर्म्स को मानकर चलना आदि। अगला है इंक्रीजिंग वर्क एफिशिएंसी इन द ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन में कार्य क्षमता को बढ़ाना। ह्यूमन रिसोर्स से जुड़े प्लानिंग करता है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, इम्प्लॉयज को रिक्रूट करना, उन्हें जरूरी ट्रेनिंग प्रोवाइड करना ताकि इम्प्लॉयज का कैपेसिटी और स्किल को डेवलप किया जा सके। जब पोस्ट के हिसाब से, जॉब के हिसाब से कैंडिडेट चुना जाता है तो इम्प्लॉय अपना स्किल और क्षमता को पूरी तरह से यूज कर पाता है। इससे होता यह है कि ऑर्गेनाइजेशन में कार्य क्षमता बढ़ती है, वर्क एफिशिएंसी बढ़ती है और ऑर्गेनाइजेशन ज्यादा मात्रा में प्रॉफिट कमा पाता है और इससे ऑर्गेनाइजेशन के ग्रोथ और एक्सपेंशन के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। तीसरा ऑब्जेक्टिव है मेंटेनिंग द फंक्शन ऑफ डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट के फंक्शंस को मेंटेन करना। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का यह ऑब्जेक्टिव होता है कि वह हर एक डिपार्टमेंट के फंक्शंस को इस तरह से मैनेज करे ताकि हर डिपार्टमेंट अपने काम को अच्छी तरह से पूरा कर सके। अगर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सारे डिपार्टमेंट अच्छी तरह से अपना काम पूरा करेंगे तो इससे होगा यह कि ऑर्गेनाइजेशन को अपने गोल्स को अचीव करने में आसानी होगी, ऑर्गेनाइजेशन को अपने गोल्स को अचीव करने में मदद मिलेगी। बेसिकली ह्यूमन रिसोर्स को मैनेज करते हुए यह देखा जाता है कि डिपार्टमेंट के इम्प्लॉयज अपने काम को प्रॉपरली पूरा कर रहे हैं कि नहीं। अगला ऑब्जेक्टिव है हेल्पिंग इम्प्लॉयज एंड वर्कर्स, इम्प्लॉयज और वर्कर्स को हेल्प करना। जब ह्यूमन रिसोर्स को प्रॉपरली मैनेज किया जाता है तो इससे इम्प्लॉयज और वर्कर्स को मदद मिलती है। प्रॉपर ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के हेल्प से इम्प्लॉयज को उनके काम में गाइडेंस प्रोवाइड किया जा सकता है जिससे इम्प्लॉयज अपने काम को और भी अच्छी तरह से पूरा कर पाते हैं। और इम्प्लॉयज जब अपने काम को अच्छी तरह से पूरा करते हैं तो उन्हें अपने काम से सेटिस्फेक्शन भी मिलता है। पांचवा पॉइंट है रिसोर्स यूटिलाइजेशन, संसाधन का उपयोग। ऑर्गेनाइजेशन का सबसे इम्पोर्टेंट रिसोर्स होता है इम्प्लॉयज। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की सहायता से इसी संसाधन का उपयोग अच्छी तरह से कर पाना आसान हो जाता है। ह्यूमन रिसोर्स को इसलिए मैनेज किया जाता है ताकि यह देखा जा सके कि कोई इम्प्लॉयज को जरूरत से ज्यादा काम ना मिले और दूसरी तरफ यह भी देखा जाता है कि कोई इम्प्लॉयज खाली भी ना बैठा रहे, उसे उसके क्षमता अनुसार काम मिले। तो इससे होता यह है कि ह्यूमन रिसोर्स का यूटिलाइजेशन प्रॉपरली हो पाता है। अगला ऑब्जेक्टिव है मेंटेनिंग रिलेशनशिप, रिलेशनशिप को मेंटेन करना। ऑर्गेनाइजेशन में इम्प्लॉयज के म्यूचुअल कोऑपरेशन की वजह से, आपसी कोऑपरेशन की वजह से काम सही से पूरा हो पाता है। इसे यू कहें कि सीनियर इम्प्लॉय और जूनियर इम्प्लॉय के बीच कोऑपरेशन से ही काम पूरा हो पाता है। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव यह होता है कि इम्प्लॉयज के बीच, सीनियर और जूनियर इम्प्लॉयज के बीच एक हेल्दी रिलेशनशिप रहे जिससे दोनों मिलकर काम को एफिशिएंसी से, दक्षता से पूरा कर सकें और ऑर्गेनाइजेशन को उसकी गोल की ओर ले जाने में हेल्प करें। अगला ऑब्जेक्टिव है कीपिंग एन आई ऑन नीड्स, जरूरतों पर नजर रखना। ह्यूमन रिसोर्स को मैनेज करते करते, इम्प्लॉयज को मैनेज करते करते इम्प्लॉयज के जरूरतों के बारे में पता लगाना आसान हो जाता है। उन्हें अपने काम को पूरा करने के लिए किन किन चीजों की आवश्यकता होती है जिससे समय पर इम्प्लॉयज को उन चीजों को अवेलेबल कराना आसान हो जाता है ताकि वे अपने काम को अच्छी तरह से पूरा कर सकें। अब तक हमने ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव्स को, उद्देश्यों को पढ़ा। चलिए आगे बढ़ते हैं और ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के फंक्शंस को पढ़ते हैं। आज के समय में किसी भी प्रकार के ऑर्गेनाइजेशन के लिए अपने ह्यूमन रिसोर्स को मैनेज करना बहुत जरूरी होता है।
ऑर्गेनाइजेशन में ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के कुछ फंक्शंस भी होते हैं, चलिए उनको एक एक कर पढ़ते हैं। पहला है ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। ह्यूमन रिसोर्स को प्लान करना, ह्यूमन रिसोर्स से संबंधित प्लानिंग करना ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का एक मेन फंक्शन होता है, एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन होता है। प्लानिंग करते समय यह देखा जाता है कि ऑर्गेनाइजेशन को कितने इम्प्लॉयज की आवश्यकता है, किस प्रकार के इम्प्लॉयज की आवश्यकता है, ताकि काम को पूरा करने के लिए एप्रोप्रिएट नंबर और टाइप्स के इम्प्लॉय अवेलेबल कराए जा सके और सुटेबल टाइप्स के इम्प्लॉयज अवेलेबल हो सके, जिससे ऑर्गेनाइजेशन के कामों को पूरा किया जा सके और ऑर्गेनाइजेशन अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर सके। ह्यूमन रिसोर्स का प्लानिंग करते समय इम्प्लॉयज के रिक्वायरमेंट से जुड़े इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की जाती है, फिर उसके आधार पर रिक्वायरमेंट का अनुमान लगाया जाता है। दूसरा फंक्शन है एलोकेशन ऑफ ड्यूटी एंड अथॉरिटी। ड्यूटी और अधिकार को एलोकेट करना, ड्यूटी और अधिकार देना। प्लानिंग हो जाने के बाद, इम्प्लॉय के सिलेक्शन हो जाने के बाद, अलग अलग इम्प्लॉय को उनका ड्यूटी एलोकेट किया जाता है और उसी अनुसार उन्हें अथॉरिटी भी दी जाती है, ताकि वे अपने काम से जुड़े डिसीजन ले सकें। फिर प्रयास यह रहता है कि अलग अलग एक्टिविटीज में एक तालमेल बैठाया जा सके। अगला फंक्शन है मैनेजिंग परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस को मैनेज करना, इस फंक्शन में यह देखा जाता है कि इम्प्लॉयज किस हद तक प्रोडक्टिव है और वे अपना ड्यूटी प्रॉपरली पूरा कर रहे हैं या नहीं। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट जब परफॉर्मेंस को मैनेज करता है तो यह देखता है कि क्या इम्प्लॉयज को प्रॉपर लीडरशिप मिला है कि नहीं, क्योंकि अच्छी लीडरशिप इम्प्लॉयज को काम करने के लिए एक दिशा प्रदान करती है। और इतना ही नहीं, इस फंक्शन में यह भी देखा जाता है कि इम्प्लॉयज को प्रॉपर फीडबैक देने का अवसर मिलता है कि नहीं। यहाँ इस बात का ध्यान रखना होगा कि इम्प्लॉयज के द्वारा किए गए काम को उनके मैनेजर्स ही इवेलुएट करते हैं और मैनेजर यह देखता है कि काम सही से पूरा हुआ है कि नहीं। अगला फंक्शन है डिजाइनिंग एंड एनालाइजिंग जॉब। जॉब को डिजाइन करना और एनालाइज करना ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का फंक्शन होता है। जॉब को डिजाइन करना और एनालाइज करना। जब जॉब को डिजाइन किया जाता है तब जॉब से रिलेटेड, काम से रिलेटेड रूल्स तय किए जाते हैं और जॉब को एनालाइज करते समय यह तय किया जाता है कि जॉब के लिए, काम के लिए इम्प्लॉयज में क्या स्किल या क्वालिफिकेशन होना जरूरी है, कितना वर्क एक्सपीरियंस होना जरूरी है आदि। अगला फंक्शन है रिक्रूटिंग एंड सेलेक्टिंग इम्प्लॉयज। इम्प्लॉयज को सेलेक्ट करना और रिक्रूट करना ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का फंक्शन होता है कि वह ऑर्गेनाइजेशन के लिए एप्रोप्रिएट इम्प्लॉयज को सेलेक्ट करें और रिक्रूट करें, ताकि जॉब के अनुसार, पोस्ट के अनुसार कैंडिडेट्स ऑर्गेनाइजेशन को मिल सके और ऑर्गेनाइजेशन का काम स्मूथली पूरा हो सके। इतना ही नहीं, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का यह भी फंक्शन होता है कि वह रिक्वायर्ड स्किल और ट्रेनिंग इम्प्लॉयज को प्रोवाइड करें, ताकि इम्प्लॉय का काम करने का क्षमता बढ़े। फिर ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट यह भी सोचता है, रिसर्च करता है कि इम्प्लॉयज को कहां से लाया जाएगा, किस तरह से इम्प्लॉयज का चयन किया जाएगा आदि। अगला फंक्शन है एडवाइस टू मैनेजमेंट। मैनेजमेंट को एडवाइस देना। जब कभी भी ऑर्गेनाइजेशन के मैनेजमेंट को इम्प्लॉय से जुड़ी बातों पर कुछ एडवाइस चाहिए होता है तो ऑर्गेनाइजेशन का ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट सलाह देता है। सलाह प्लानिंग से जुड़ा हो सकता है, सिलेक्शन से जुड़ा हो सकता है, रिक्रूटमेंट से भी जुड़ा हो सकता है। अगला फंक्शन है डिपार्टमेंट हेड्स को एडवाइस करना। अलग अलग डिपार्टमेंट के हेड्स को ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के माध्यम से ह्यूमन रिसोर्स के प्लानिंग से रिलेटेड, ह्यूमन रिसोर्स से जुड़े डिसीजन से रिलेटेड, जॉब के एनालिसिस, जॉब के डिजाइन से रिलेटेड, रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन से रिलेटेड, प्लेसमेंट से रिलेटेड, जॉब के परफॉर्मेंस से रिलेटेड आदि सलाह मिलती है।